हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू मेक इंग्लिश नोटबुक पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये पेज देख रहे हैं इंग्लिश नोटबुक का, इस टाइप का पेज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक न्यू पेज लेंगे, न्यू पेज, ठीक है। इसके बाद हम एक्सेल में इसकी डिजाइन तैयार करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारी एक्सेल की स्क्रीन है, फर्स्ट कॉलम की विड्थ को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और सेकंड कॉलम की भी, फर्स्ट और सेकंड कॉलम की जो विड्थ है इसको मैंने इंक्रीज किया है। अब मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट नहीं किया है, सेकंड थर्ड और फोर्थ रो को सिलेक्ट किया है, और टू कॉलम्स, सेकंड थर्ड और फोर्थ रो और यहाँ पर टू कॉलम्स को सिलेक्ट किया है। फॉन्ट में जाके होम टैब में फॉन्ट में मोर बॉर्डर्स की हेल्प से सबसे पहले हम यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे। मोर कलर जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, ओके किया है। यहाँ पर देखिए बॉर्डर में हॉरिजॉन्टल्स की जो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस पे क्लिक किया है, अप और डाउन दोनों में। इसके बाद ब्लू कलर को सेलेक्ट किया है, जो हमारी मिड वाली लाइन है इस लाइन को सेलेक्ट किया है, ओके किया है। ये देखिए हमारा इंग्लिश के जैसा पेज क्रिएट हो गया। अब हमें इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करना, जितने हमारी लाइन है 3 रो, एक रो एक्स्ट्रा सेलेक्ट करनी है, 1 रो एक्स्ट्रा। इसके बाद हम माउस के हेल्प से ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमें ये लाइनिंग चाहिए, ठीक है, वहीं तक हम इसको ड्रैग कर देंगे। देखिए हमारा इंग्लिश के जैसा, इंग्लिश के नोटबुक के जैसा पेज क्रिएट हो गया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये लाइनिंग है इसको हम सेलेक्ट करेंगे पूरे को, जहाँ तक भी हमारी टेबल्स है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमें चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, एक बार अगेन बॉर्डर का फंक्शन यूज करना है। बॉर्डर टैब में जाएंगे, इसमें बॉर्डर में मोर बॉर्डर्स में, इसमें हमें क्या काम करना है, अब ये डबल वाली पिंक कलर की लाइन लेनी है और यहाँ पर वर्टिकल्स वाली और यहाँ डबल, राइट, ओके कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इंग्लिश के जैसा पेज आ गया। अब हमें क्या काम करना है, इस जितनी भी हमारी टेबल्स बनी है इस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वहीं तक जहाँ तक हमारी लाइनिंग है, यहाँ तक मैंने दी है, कॉपी करेंगे इसे, ठीक है, कॉपी। और जो हमारा वर्ड का हमने पेज लिया है इसमें जाके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, राइट। अब हमें क्या काम करना है, जो हमारी टेबल है यहाँ कर्सर रखेंगे, इसको प्रेस करके मूव करके इसको टॉप में यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाली रो में कर्सर रख के एंटर की प्रेस करेंगे, ये देखिए ये जो फर्स्ट वाली है कॉलम, इसको थोड़ा सा मूव करके इंक्रीज कर देंगे साइज, और जो लास्ट वाला इसको भी हम बिल्कुल लास्ट तक ले आएंगे, जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे और मूव करके यहाँ तक ले आएंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इंग्लिश के जैसा हमारा, इंग्लिश के नोटबुक के जैसा पेज क्रिएट हो गया है। अब हमें यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप का यूज करेंगे और यहाँ से एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे। कोई भी एक डिजाइन आप यहाँ से ले सकते हो, जो भी आप डिजाइन यहाँ से लेना चाहते हो, ये देखिए यहाँ से भी जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे उसको यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करना है, ठीक है। बॉक्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और ऐड टेक्स्ट करना है। राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करना है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डेट, ठीक है, एंटर करके पेज नंबर, दोनों चीज हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हमें क्या करना है, जो ये है हमारा इसका कलर चेंज कर देंगे जिस कलर से हम लिखना चाहते हैं। फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से मैंने जैसे यहाँ पर पिंक कलर दे दिया, राइट। और जो फिल का कलर है हमारा, फॉर्मेट में जाएंगे, जो इसका फिल का कलर है, शेप फिल का, इसको हम क्या कर देंगे, नो फिल, ठीक है। और ये जो हमारा है होम टैब में जाके इसे लेफ्ट में, जो डेट हमारा पेज नंबर है वो कहाँ पर आ जाए, लेफ्ट में आ जाए। थोड़ा सा साइज अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा एंटर कर देंगे, और इसका जो साइज है बॉक्स का इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब इसके आउटलाइन थोड़ा पिंक कलर से कर देते हैं, आउटलाइन को उसको सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइन हम यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने देखा, आपने देखा बिल्कुल सिंपल वे में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंग्लिश नोटबुक का पेज तैयार किया, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, राइट। इंग्लिश का पेज हमने क्रिएट किया, हिंदी का और मैथ का पेज कैसे क्रिएट करते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।